एमएस पीको लागू करो, एमएस पीको लागू करो, एमएस पीको लागू करो, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के तमाम किसान आज जाट भवन में इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे इनके द्वारा एक मीटिंग की जा रही है, नारेबाजी आप सुन सकते हैं किस तरीके से। इनका कहना है कि किसान आंदोलन जब खत्म हुआ था तो सरकार के द्वारा कुछ मांगे जो है पूर्ति उनकी करने की बात इनके साथ हुई थी, एक साझेदारी एक सहमति हुई थी, लेकिन इनके साथ वादा खिलाफी हुई है, ऐसा आरोप ये सरकार के खिलाफ लगाते नजर आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सेटलमेंट्स हुई थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी, इनकी शर्तें थी जिनकी सहमति हुई थी, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। उसी के चलते यहाँ पर आज एक मीटिंग इनके द्वारा की जा रही है। प्रधान जी यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ मांगे जिनके चलते आज इस तरीके से मीटिंग करनी पड़ रही है? मैडम हमारी तो पहली और आखिरी मांग एमएसपी कानून लागू करने की है। इसी कानून को लागू करवाने के लिए हम दिल्ली गए थे। सरकार की तरफ से मोदी साहब ने एक वादा किया था भाई हम इसके ऊपर कमेटी बनाकर जल्द इसको लागू करेंगे, लेकिन 2 साल हो गए हैं, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसी बात से दुखी होकर किसानों को दोबारा दिल्ली जाने के बारे में सोचना पड़ रहा है। फिर से सोच रहे हैं आप दिल्ली कुछ करने? बिल्कुल मैडम, दिल्ली जाने के बारे में दोबारा फिर सोचा जा रहा है। बहुत सी जत्थेबंदियों ने ऐलान भी कर दिया है 13 तारीख का, और आज हमारी मीटिंग भी इसी विषय पर है भाई। आप मैं करनाल जिले की तरफ से अपनी एक सलाह बना ली जावे, और जो हमारी सलाह बनेगी वो हम अपने प्रधान गुरु नाम सिंह चढ़ूनी के पास पहुँचा देंगे। जैसा उनका आदेश होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने तैयारियां कर ली, किस बारी जाने नहीं देंगे? प्रशासन ने तैयारी कर लिया, देखो उनकी ड्यूटी है वो तो तैयारी करेंगे। तैयारी किसानों की भी है और तैयारी सरकार की भी है, लेकिन पिछली बार भी तैयारी थी इनकी तो, जब भी गए थे हम तो लाठियां खाने के लिए गोली खाने के लिए तैयार बैठे हैं। किसान डरने वाला नहीं है। पहले भी हम 700-750 हमारे साथी शहीद हुए हैं, इस बार 7-7.5 हज़ार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे प्रदेशों से भी किसान सभी जगह से आदमी आ रहे हैं जी, पूरे जोर शोर से। अगर सरकार ने अब भी बात नहीं मानी तो पूरे जोर शोर से आंदोलन शुरू होगा। ऐसी कौन कौन सी मांगे थी जिन पे साझेदारी हुई थी लेकिन उनकी पूर्ति नहीं हुई अभी तक सरकार की तरफ से? वो जो रह गई थी मांगे, 3 कानून तो इन्होंने वापस कर ली है, अगले दरवाजे से वापस करे, पिछले दरवाजे से फिर ये ले आ रहे हैं। वही है कि जो पीछे आंदोलन रही है वो वादा करके चलो प्रधानमंत्री है देश का, किसान उठ के आ गए, चलो ये झूठ नहीं बोलेंगे। वो कोई भी मांग पूरी नहीं रही, वो 2 कानून ही बस रद्द करे हैं। अब उससे बड़ा आंदोलन पैदल कूच करेंगे, ये सड़कें पे पत्थर लगा रहे हैं, हम खेतों में से जाएंगे, अब दिल्ली पैदल कूच करेंगे हम। कब जाने वाले हैं? 13 तारीख को हमारी जैसे मीटिंग थी चढ़ूनी ग्रुप की, जैसे हमारे प्रधान जी फैसला लेंगे हम वैसे इकट्ठे हैं उनके साथ। जैसे प्रधान जी का कॉल आएगी हम चढ़ूनी साहब को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, वो फैसला लेंगे, उनके फैसले के खरे उतरेंगे। हालांकि किसान आंदोलन इसीलिए खत्म हुआ था कि सरकार ने मान लिया था कि मांगों की पूर्ति की जाएगी, 2 साल का इंतजार किया पर नहीं हो रही मांगे पूरी। मैडम सरकार ने वादा खिलाफी की है, और जो हमारी मुख्य मांग है वो MSP है। MSP का भाव है मिनिमम सपोर्टेबल प्राइस, जब तक वो लागू नहीं करती। अब सिर्फ हमारी एक ही मांग है, वो है MSP। अगर किसान को MSP मिल जाती है तो उसमें सब कुछ आ जाता है। और आगे जैसे भी अब 13 तारीख को भी कुछ संगठन जा रहे हैं, वो भी हमारे भाई किसान हैं, तो आज हमारी BKG चढ़ूनी जिला करनाल की मीटिंग चल रही है, अभी मीटिंग चलेगी, तो जैसे भी फैसला आया हम उसी तरीके से नाल और साथ भी खड़े हैं, और जैसे भी चलेगा तो बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल, भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा जाट धर्मशाला में किस तरीके से एक मीटिंग की जा रही है, जिसमें ये फैसला लेंगे कि आने वाली 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का किसानों का जो निर्णय है उसको किस तरीके से पूरा करना है। हालांकि जो प्रशासन है उनकी तरफ से भी कई तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। अम्बाला पे मौजूद शंभू टोल पे बताया जा रहा है कि वहां पे भी जो नुकीली चीज़ें होती हैं, मतलब ताकि वहां पे बॉर्डर बना दिया जाए, क्रॉस ना करने दिया जाए, उनकी तरफ से भी कुछ तैयारी की जी क्या कुछ बताना चाहिए? गांव में वैसे ही राशन इकट्ठा हो रहा है, आटा चून दाल पैसे भी, वहाँ फिर लंगर पकेंगे, वैसा ही आंदोलन चलेगा जैसे, उससे भी तगड़ा, मतलब एक नए किसान आंदोलन की तैयारी। नए किसान आंदोलन की तैयारी है, 24 का जो इलेक्शन है, पहले इन्होंने वादा कर दिया था, किसान उठ के आ गए थे, और जो हमारे भाई किसान शहीद हो गए हैं उनको मुआवजे की बात हुई थी, वो भी अभी इन्होंने नहीं दिया, वो भी मुआवजा भी लेके आएंगे। उनका जो भाइयों को ट्रैक्टर दिल्ली खड़े हैं, 26 लाल किले वाला जो सीन सारे देश ने देखा, मीडिया ने हमारे को खालिस्तानी है वक्फवादी बताया था, वो ट्रैक्टर 700 वहाँ फंसे हुए हैं, वो भी कटवाने हैं किसानों के जरूरी। तो ये है कि दोबारा फिर आंदोलन करके आएंगे, जो मर्जी कर ले सरकार, हम पहुँचेंगे जरूर दिल्ली। मुख्य मांग क्या है आपकी? वही जो MSP गारंटी लागू करे सरकार, जो मेन हमारा एक मुद्दा है वो नहीं कर रही सरकार, वादा खिलाफा किया उस टाइम मान गए थे, अब मान नहीं रहे, वो हम पूरा करवा के अब आएंगे वापस।
मतलब आप देख सकते हैं कई तरीके की मांगों को यहाँ पे उठाया जा रहा है। मुख्य तौर पे 3-4 मांगे उठ के सामने आती है जिनके बारे में बोल रहे हैं कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था जिसको लगभग 2 साल हो चुके हैं, तो सरकार ने इनको वादा किया था कि जो भी मांगे इन्होंने सामने रखी उन सबकी पूर्ति होगी, लेकिन अब 2 साल होने को आए इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही। इन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश भी की है, तो उसी के चलते ये किसान कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं कि एक और किसान आंदोलन को शुरू किया जाए, और बोल रहे हैं कि हम जो इलेक्शन होने वाले इस साल उससे पहले ही अपनी मांगों को पूरा करेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इनकी नीति भी बनाई जा रही है, यहाँ पे प्लानिंग भी चल रही है कि 13 फरवरी को जो किसानों ने एक निर्णय लिया है कि दिल्ली कूच करना है वो किस तरीके से करना है। और ये बोल रहे हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ोनी जो कि भारतीय किसान यूनियन के इनको कहीं ना कहीं लीड करते हैं, अगर उनकी तरफ से ये फैसला पक्का आ जाता है कि दिल्ली कूच करना है तो 13 फरवरी को ये दिल्ली की ओर रवाना भी होंगे। और बता रहे हैं कि इस बार पैदल जाएंगे, हालांकि जैसे प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की जा रही है कि किस तरीके से दिल्ली नहीं पहुंचने देना है इनको। तो इनका कहना है कि हम चाहे पैदल खेतों से होते हुए जाएं, लेकिन अगर एक बार हमने निर्णय ले लिया तो हम दिल्ली पहुंच के ही रहेंगे। तो हालांकि काफी आक्रोश भी नजर आ रहा है इनकी तरफ से, क्योंकि ये कह रहे हैं हमने तो लंबा इंतजार भी किया। बता रहे कि 700 से 750 किसान जो है वो शहीद भी हुए, उनको मुआवजा देने की बात सरकार की तरफ से हुई थी, वो मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया गया। जो कुछ भी मांगे हैं, हालांकि इनके आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर, तो जो भी रहेगा वो तो देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है उसमें निर्णय लिया जाएगा कि 13 फरवरी को आखिर ये दिल्ली कुछ करने वाले हैं या नहीं। भवन नारंग, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।